प्लान है आई एस एम किचन में आपका स्वागत। आज हम बेसन की कतलियाँ बनाने जा रहे हैं। बेसन, इसे बेसन की सब्ज़ी भी कहा जाता है, खंडैया भी कहा जाता है। सब अपने अपने लैंग्वेज में अपने अलग अलग नाम देते हैं। आज हम बेसन की कतलियाँ बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। उसके लिए मैंने एक डली प्याज चॉप करके रखी है और दो हरी मिर्ची चॉप करके रखी है। और ग्रेवी के लिए मैंने दो टमाटर लिए हैं, एक हरी मिर्ची ली है और दो छोटी छोटी प्याज की डली ली, जिसका हम पेस्ट बना लेते हैं। हमने ऑयल गरम करने रख दिया। हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। ऑयल में हम सबसे पहले हींग डालेंगे, एक पिंच हींग लेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे। इसको हम थोड़ा कवर कर देंगे ताकि छींटे ना लगे। एक चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, एक चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कम ही डालेंगे हम, 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून मतलब सब एक एक 1 टीस्पून के करीब लेंगे। लाल मिर्च पाउडर भी हमने इससे कम ली ताकि हमने इसमें हरी मिर्च डाली, इसकी तेज़ी आ जाएगी। अब हम इसमें पानी डाल के घुमा लेंगे। देखिए अभी हमें इसे और पकाना है 2-3 मिनट। इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको जमा लेंगे ट्रे में। देखिए हमने इसमें जमा लिया। अब हम इसे कट करते हैं जब तक हम इसमें ग्रेवी में मसाले डाल देते हैं। मैंने 2 टीस्पून हमने रेड मिर्ची पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। सारे मसाले हम इसमें ऐड करते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसके भी पीस आप चाहे तो रेक्टेंगल काटें, चाहे तो स्क्वायर में काटें, जैसे आपका दिल चाहे आप काट सकते हैं। देखिए हम इसको इस तरह फ्राई कर लेंगे। सारी खंडैया हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखो मसाला भी हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। बॉईल आने पर हम सब खंडे में डाल देंगे। अब हम इसमें सब पीस डाल देंगे। से 2 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके ढक के रख देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें अपनी दुआओं में शामिल करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।